बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा सेशन चल रहा था जी रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। हमने व्हाट आर ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया, बीइंग ह्यूमन की बात की है। व्हाट When does someone become human? When does someone stop being a human being? United Nations Human Rights की बात की हमने, scenario discuss किया। फिर rights of human में legal concept पढ़ा, object वाला। Hopefully आप लोग understanding होगी होगी। अब तो lecture 3 है आपका ये। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ डिस्कशन में आ रही है ना, वो है द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक्सक्यूज मी, देखें द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब तीन सिनेरियोज हैं, तीन चीज़ें हैं जो कि फाउंडेशन, देखो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी चीज़ की बेस होती है। अब ह्यूमन राइट्स की जो बेस है, तीन चीज़ों पर रखेगी। एक लीगल, लीगैलिटी को कंसिडर किया गया, मॉरल वैल्यूज़ की बात की गई है, और सोशल, जो कि आपके कह लो टू सम एक्सटेंट कल्चर आ जाता है। अब इन तीन ब्रॉडर सिनेरियोज़ में आपका जो है ना फाउंडेशन रखी गई है, यानी ह्यूमन राइट्स की बेस क्या है? लीगैलिटी, लॉ, मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़। अब इन तीनों की बेस पे हमारा क्या होता है, ह्यूमन राइट्स एज होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना हमारे हमारे मॉरल वैल्यूज़ में नहीं है, हमें रिलीजन नहीं कहता है, ना कि लीगल है, ठीक है, तो उसका फिर राइट भी नहीं है किसी को कि वो यूटिलाइज़ करें। तो इसी तरह ना, हर कंट्री का लीगैलिटी डिफरेंट होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, सोशल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, उस बेस पे क्या होता है आपके ये सारी चीज़ों की जजमेंट होती है। अब देखो फर्स्ट आपका ह्यूमन राइट शुड बी कंसीडर्ड अ राइट बाय लॉ। राइट ट्रैफिक सिग्नल पे सुरख रंग की लाइट है, रेड सिग्नल। लॉ क्या कह रहा है? रुकना है, नसना नहीं है, यू हैव टू स्टॉप देयर। जब ग्रीन होगी आपका राइट, आप जा सकते हो, ठीक है। देयर आर मैनी लीगल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ समवन टू मैरी और टू लीगली ओन प्रॉपर्टी। देखो पाकिस्तान में कह लो कि बाकी कंट्रीज में कह लो, लोग दो दो तीन तीन चार चार शादियां करते हैं। यूरोप में, यूके में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, एट ए टाइम टू वाइफ्स नहीं रख सकते, एक को छोड़ना पड़ता, दूसरे भी रख सकते हैं। अब क्या राइट टू मैरी टू समवन और टू लीगली ओन, आप एक प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, आपका लीगल राइट है। आप अगर मैच्योर हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, विच आर प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स नॉट मेनली बिकॉज इट इज अंडर द लॉ, बिकॉज इट इज राइट और मोरल, बट बिकॉज they are legally bound rights, not merely because it is international human rights or by joining the UN. Government agrees their subject have human rights and these rights have a legal basis. ab scenario kya hai ki legal rights yani rights karna, ye nahi ki aapne UN ko join kiya hua hai, aap ne logon ko dikhana hai। यू आर लीगली बाउंड, गवर्नमेंट बाउंड है कि वो क्या करें, इसको इन्फोर्स करें, उनके राइट प्रिवेल करें, ह्यूमन को अपॉर्चुनिटी दी जाए, लॉज ऐसे बनाए जाएँ ताकि वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकें। दिस लीगल बेस इज क्रिटिकल बोथ फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो फॉर द इन्फोर्समेंट। जब लीगल बेस आप राइट्स के बनाते हो, फिर आप उस चीज़ को इन्फोर्स भी करा सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, स्पीड लिमिट 120 के आप उसको क्रॉस करोगे, आपने उसको लॉ बनाया हुआ है, यू आर नॉट ऑथोराइज, यू डोंट हैव द राइट टू ओवर स्पीड, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंच सकता है आपके ओवर स्पीडिंग की वजह से। क्लियर हुई है बात?
सेकंड हमारे पास आता है मोरल। अब देखो ह्यूमन राइट्स आर आल्सो मोरल राइट्स, दे एग्जिस्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड मोरल और प्रॉपर। देखो मोरालिटी जो होती है वही मेन डिफरेंस मोस्टली क्रिएट करती है ह्यूमन बीइंग और एनिमल में। देखो नॉट ऑल मोरल राइट्स आर बेस्ड ऑन द लॉ, दे आर मैनी एक्ट्स डैट आर सीन एज इमोरल बट नॉट इलीगल, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग ऑन अ पार्टनर। अब देखो आप हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ धोखा किया, फॉर एग्जाम्पल उसने गर्लफ्रेंड रखी है एक और बगैर बताए शादी कर ली है, उसमें कोई भी हमारे पास लीगैलिटी नहीं है कि लीगल टर्म्स में सजा दी जा सके, लेकिन डैट इज इमोरल। आप चीट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है? क्लियर हुई है बात? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हमारे पास जो लॉ में नहीं है लेकिन मोरल वैल्यूज की बेस पे आपके राइट्स बने हुए हैं। क्लियर हुई बात? देखो सम मोरल राइट्स हैव बिकम प्रोटेक्टेड इन द लॉ, फॉर एग्जाम्पल द बैनिंग ऑफ मीडिया क्लासिफाइड एज प्रोनोग्राफी इन सम कंट्रीज। पीपल यूज रिकग्नाइज वेन अ मोरल राइट हैज बीन वायोलेटेड बिकॉज विद इन अ सोसाइटी पीपल टेंड टू हैव सिमिलर बिलीव्स एज टू वॉट राइट और रॉन्ग। आप लोगों को याद हो वी हैव डिस्कस्ड डेवियंस। एक चीज डेवियंस होती है सोशियोलॉजी में, आपने पढ़ी हो। यानी जो कोई भी काम ऐसा करोगे ना जो कि मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू डैट। जो आपके मोरल वैल्यूज में आ रहे हैं वो आपका राइट आप कर सकते हो। क्लियर हुई है बात? तो देखो यूरोपियन एक्सक्यूज मी सॉरी, अब देखें मॉरल वैल्यूज की आपको मैं एक एग्जांपल सिंपल से देता हूँ। जैसे हम लोग हमारे पाकिस्तान में एक फीमेल को वेस्टर्न ड्रेस कोड में आ जाती है, यानी जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलते हैं टिपिकल, जो हम समझते हैं हमारे मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। हमारी फैमिली ये राइट कभी नहीं देती कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करें। इस तरह देखो बाहर फॉरेनर्स हैं यूरोप में, अमेरिकन हैं, वो बीच पे जाते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम स्पेसिफिकली पहनते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द मॉरल राइट्स, मॉरल वैल्यूज, हमारे मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। तो हम उन चीज़ों को जो कि हमारी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं ना, हम उनका फिर राइट भी नहीं देते अपनी सोसाइटी के लोगों को कि वो यूटिलाइज करें। देखो शेयर मॉरल वैल्यूज डज नॉट अप्लाई, मॉरल नेवर चेंज एज वैल्यूज एज मैरिज रोमांस सेक्सुअलिटी हैव ऑल चेंज मस्ट इन द पास्ट गेट। इट डज अज्यूम दैट रिस्पेक्ट ऑफ पीपल एंड व्हाट दे डू इज बेसिकली द सेम अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक देयर सेफ्टी, देयर ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम रहती है, लेकिन आप लोग ओवर द वर्ल्ड देखो सिनेरियो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसी तरह फिर आपके राइट्स भी चेंज होते हैं। लेकिन कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो कि सेम है, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल है, गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ ट्रीटमेंट क्या करती है, वो चीज़ें हैं। यानी वो सारी चीज़ें आप कह लो ओवर द डिफरेंट कंट्रीज़ में भी सेम चल रही है। लास्ट में हमारे पास थर्ड में क्या चीज़ आ रही है, सोशल। देखो ह्यूमन राइट्स आर सोशल राइट्स विच इंश्योर पीपल लिव सेफली एंड हैप्पीली टुगेदर इन सोसाइटी। यानी वो तमाम राइट्स जो आपको सोसाइटी में रहने की ज़रूरत है। अगेन नॉट ऑल सोशल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ नॉर दे नेसेसरली मॉरल बट दे डू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने बात की ना पहले कि मॉरल राइट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है उसकी बेस में लीगैलिटी आए। कई चीज़ें लीगल नहीं, लीगैलिटी में नहीं आती लेकिन वो राइट्स होते हैं। इसी तरह बेशक लीगल नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, लॉ नहीं है, बेशक मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सोशल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वीन
क्यूइंग एट द बैंक और गिविंग अप अ सीट ऑन अ बस आर नॉट एक्शन मैंडेटेड बाई लॉ। जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, बैंक में गए, लाइन में खड़े हो गए हो, अब देखो आप लाइन लेट सपोज तोड़ते हो, आगे चलते हो, कानून आपको कोई सजा नहीं देगा, उसमें कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन क्या एक सोशल है, सोसाइटी में रहने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसी तरह देखो फॉर एग्जांपल एक फीमेल आई है बस में, आपने उसको क्या किया है, रास्ता दे दिया है, या फॉर एग्जांपल आपने उसको सीट दे दी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या सोशल एस्पेक्ट में आते हैं, सोशल वैल्यूज आ जाती हैं। सोशल राइट्स कंप्राइज व्हाट एनी पर्सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे, बट दे ऑल्सो कवर एक्सपेक्टेशन अराइजिंग फ्रॉम लिविंग इन अ कम्युनिटी। सोशल राइट्स आर द पैटर्न्स ऑफ पोलाइटनेस, फ्रेंडली असिस्टेंस, टॉलरेंस, चेयरफुलनेस डेट मेक लाइफ ईजियर एंड मोर प्लेजेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यानी तमाम की तमाम चीज़ें आप करते हो तो आप क्या है राइट्स अवेल कर रहे हो, आपके सोशल राइट्स हैं वो। क्लियर हुई है बात? तो ये आपके पास क्या हैं, फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जिसकी बेस आपके पास ये तीन सिनेरियोस रखे गए हैं। देखो, ऑन थ्योरी दैट फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज दैट दे फ्लो फ्रॉम नेचुरल लॉ, दिस सुजेस्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर एज यूनिवर्सल एंड वाइड स्प्रेड एज नेचर इटसेल्फ, एंड दैट द लॉजिक एंड रैशनल ऑफ लॉ मे बी फाउंड विद इन ह्यूमन नेचर। अब देखो, नेचुरल लॉ फोकस ऑन आइडिया सच एज ह्यूमन डिग्निटी। नेचुरल लॉ किस पे फोकस करे, ह्यूमन डिग्निटी पे, फंडामेंटल राइट्स पे, विच सपोजिटली अराइज फ्रॉम द इननेट मॉरल ऑर्डर, दैट इज मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इसी तरह अगर आप दूसरी सिनेरियो की बात करते हो, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सैलिटी की, यूनिवर्स देखो राइट्स यूनिवर्सल हैं भी और नहीं भी हैं, जो इसका मेज फाउंडेशन है ना, कि अब लीगैलिटी की बात कर सकते हो, अब लीगैलिटी के कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होंगी, कुछ जिन कंट्रीज़ का लॉ चेंज है वहाँ पर क्या है फिर आपके राइट्स भी चेंज हो जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की सेम होती हैं, लेकिन कोई डिफरेंसेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, ड्यू टू कल्चर कह लो, रिलीजन कह लो, तो जहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं वहाँ पे आपके राइट्स भी चेंज हो रहे हैं। सेम लाइक सोशल सस्पेक्ट का कहते हैं, देखो वट एवर द सिनेरियो वो हर जगह तकरीबन यूनिवर्सल ही कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें रिलेटिविटी भी है और यूनिवर्सैलिटी भी है, ये चीज़ें भी आपने सोशियोलॉजी में डिस्कस की हूँ, जैसे मैं यूएसपी है, यूनिवर्सल सीरियट, बस हर जगह सेम है। कल्चर की बात करते हो, कल्चर डू एग्जिस्ट बट इट इज़ रिलेटिव, डिफरेंट सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो रहा है। इस इज़ द राइट यूनिवर्सल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट चेंज हो रहे हैं। चेंज क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू लीगल मॉरल एंड सोशल राइट्स, इन चीज़ों की वजह से उनमें चेंजेस कॉन्टीन्यूसली आ रही है। होपफुली आपको अच्छी मजीद क्लियरेंस मिल गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है हमने, तो आई थिंक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वो भी यूनिवर्सैलिटी से ही रिलेटेड है, कुछ फीचर्स वगैरह हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।